इसमें कहां से आपत्ति हो। सनी लियोनी का एक गाना आया मधुबन में राधिका नाचे, आपको उसमें क्या गलत लगा? आपने निर्माताओं को गाने के बोल बदलने की चेतावनी दे दी थी। देखो मैं फिर इस बात को दोहरा देता हूं, ये राधिका राधा हमारी, कल राधा अष्टमी थी आपने वो कर लिया, ये जो हमारे धर्म के बारे में जैसे करवा चौथ का आया था जो मैंने आपत्ति की थी, या मधुबन में राधिका नाचे वाली आया था, ये हमारे धार्मिक त्योहारों के ऊपर, हमारे भगवान के ऊपर आप अश्लील फिल्म क्यों बना रहे हो, अश्लील डांस क्यों कर रहे हो? सनी लियोनी के बारे में आप भी खूब जानती हो, मैं भी जानता हूं, सारे दर्शक जानते हैं कि सनी लियोनी क्या है, वो हम पे कृपा करें, इतनी सी बात है ना। अच्छा फिर ये सब लोग एक हाथ किसी दूसरे धर्म पे क्यों नहीं गा रहे? मेरे बात का जवाब आप ही दे दो, अच्छा वो नहीं दे रहे। इन सब मामलों से निपटने के लिए कानून है, सेंसर बोर्ड है, यही तो करते हैं और क्या करते हैं। कानून की तो बात करी थी, गृहमंत्री भी तो हूं, चेतावनी दे देते हैं खुले तौर पर सीधे, क्यों नहीं दूंगा मैं कह रहा हूं ना कि हां दूंगा। आप ये क्यों कर रहे हो? आप ही जवाब दे दो ना मेरी बात का, आखिर ऐसा क्यों करना कि हमारे धर्म पे बार बार उंगली उठाना। अच्छा अगर मैं गलत था तो वो गाना फिर ठीक क्यों किया गया? उन्होंने ठीक करके किया ना उस गाने को जारी। अगर मैं गलत था तो करवा चौथ का वो विज्ञापन क्यों हटाया गया? अगर मैं गलत था तो जहां जहां आपत्ति हुई वो ठीक क्यों हुई? अगर मैं गलत था तो फिर भी उसके बाद भी आप मानती हो गलत हो तो आप बता दो, आपके माध्यम से बाकी प्रदेश के लोग देख लेंगे। कुछ और मुद्दों पर बात कर लेते हैं, लव जिहाद पर बात करते हैं। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का कहना है कि लव जिहाद के सारे मामले फर्जी हैं और अगर उनकी सरकार आएगी तो वो कानूनी रूप से राहत पहुंचाएंगे ऐसे मामलों में। देखिए अकेले उनकी बात नहीं है, कांग्रेस पूरी की पूरी इसके ही पक्ष में है। हम लव के खिलाफ नहीं, हम जिहाद के खिलाफ हैं, ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। ये जो श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े